दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी सारी हलचल चल रही है। पीसीबी के चेयरमैन बदल चुके हैं, उनका चीफ सेलेक्टर भी बदल गया है और अब उनके कप्तान बाबर आजम के अलग अलग वीडियोस और चैट्स वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, इन सब बातों पर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 साल पहले एक ऐसी घटना की जिसने पाकिस्तान को शर्मसार तो किया ही, साथ ही उनकी क्रिकेट पे एक ऐसा दाग लगा दिया जो शायद कभी ना मिटे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज से 12 साल पहले इंग्लैंड के अखबारों में एक ऐसी खबर छपी थी जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अखबारों की सुर्खियों ने पाकिस्तान की इज्जत को तार-तार तो किया ही था, साथ ही उसके दामन पर कभी न धुलने वाले दाग लगा दिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट को बेइज्जत करने वालों को ना सिर्फ जेल जाना पड़ा था बल्कि उन खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर भी खत्म हो गया था। दोस्तों, ये सजा थी क्रिकेट के खेल को दागदार करने की। साल 2010 क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा की गई स्पॉट फिक्सिंग के लिए अब भी निराशा के साथ याद किया जाता है। अगस्त 2010 में लॉर्ड्स टेस्ट में इन तीनों क्रिकेटरों ने सट्टेबाज माजिद के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की थी। अपने कप्तान सलमान बट के इशारे पर आसिफ और आमिर ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में जानबूझकर नो बॉल फेंकी थी। पाकिस्तानी कप्तान की करतूत को दुनिया के सामने लाने का काम न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के एक अंडरकवर पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके किया था। उन्होंने सट्टेबाज माजिद से संपर्क किया। माजिद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आसिफ और आमिर एक खास समय पर तीन नो बॉल फेंकेंगे और ऐसा ही हुआ। इसी स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि मजहर पिछले लगभग 2 सालों से मैच फिक्स कर रहा है और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी उसके संपर्क में हैं। दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों को 6 महीने के लिए इंग्लैंड की जेल में डाल दिया गया था और इसके अलावा इन पे 5 साल का बैन भी लगा था। दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।